For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello ma'am, welcome to Movies Adda. कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी थी और हमारे देश का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है ये उसे लाने के लिए हमें करण जौहर और हीरू जौहर, बाकी अक्षय जी और तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना. बहुत ही बढ़िया मूवी, अक्षय कुमार के परफॉर्मेंस से लेकर जितने भी अच्छे से दिखाए गए हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं. पिक्चर बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ देखे, हजार बार देखे, इतनी अच्छी है. वहाँ पे ड्रामा, लव और सब कुछ दिखाया है. उधर हम लोग भाई सूर्य जगरेकर हूँ, खिलाड़ी ग्रुप का अध्यक्ष हूँ. हम सोलापुर से आए, हम सोलापुर से 30 लोग आए कि हम लोग को सर ने क्या बोला कि खिलाड़ी ग्रुप से बहुत बढ़िया उधर माला वगैरह हम पहनाते हैं. उधर सर का पिक्चर आए तो मूवी का अभी इस बार हम लोग सर के पास आके पिक्चर देखा, हम लोग इतना अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा. और पिक्चर एकदम मस्त है, मस्त बोला तो पिक्चर में केसरी का रंग होता है, जो मेरा रंग केसरी, मेरा लहू केसरी बोला है वैसा केसरी का. मैं डायलॉग बताऊँ, पैसा वसूल मूवी है केसरी. और मेरे को अक्षय का लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा, बेटर कैसे फाइटिंग करते हो लगता है 51 इयर्स के. अच्छा, अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की लगी उनकी परफॉर्मेंस? अब तक अक्षय जितनी भी फिल्में आई है उनकी जो 5 बेस्ट फिल्म्स है उनमें से एक है केसरी. उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, उनके स्टंट्स जो उन्होंने किए बहुत ही डिफिकल्ट और ऐसे पहली बार देखा है. और जैसा कि हमें पता है कि वो बॉडी डबल का यूज नहीं करते, उन्होंने जान ला दी थी फिल्म में. और जो जो ऋषभ सिंह जो जिस कैरेक्टर को उन्होंने जिया है उसका जो चेहरा मोहरा था वो अक्षय जी से बहुत मिलता था. रणदीप हुड्डा भी इस कैरेक्टर को कर रहे थे, हालांकि वो फिल्म नहीं बन सकी. नहीं तो राजकुमार संतोषी ला रहे थे तो वो भी उनका भी चेहरा मिलता है क्योंकि वो लंबा सा चेहरा था. लेकिन अक्षय कुमार तो हूबहू ईशर सिंह लग रहे हैं. बहुत अच्छी एक्शन, एक्शन सीन्स तो बहुत अच्छे हैं. जो एक्शन के सीन्स है दे आर रियली फैंटास्टिक. सो आउट ऑफ 5 कितने? ये हॉलीवुड पिक्चर को भी मात दे दे मेरे हिसाब से. अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार के बारे में क्या कहें, बहुत गॉड, गॉड ही बॉलीवुड का गॉड ही है. और हमारे उनके लिए सब कम है, जितने बोलेंगे उतने कम है. एक खिलाड़ी सब पे भारी, अक्षय कुमार अंगार है, केसरी अंगार है, बाकी सब अंगार है. अक्षय कुमार अंगार है, बाकी सब अंगार है. ओके, सो ऑल इन ऑल अक्षय और अगर परिणीति की बात करो तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? अक्षय कुमार के कोई भी नहीं दे दो वो चलेगी चलेगी, क्यों बोले तो अक्षय कुमार हिट है, बाकी सब हिट रहता है. अच्छा, परिणीति चोपड़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसे कहा भी था कि ये जो केसर या केसरिया रंग शौर्य शक्ति नहीं प्रेम का भी प्रतीक है, तो वो शहद लेकर आई थी. पूरी फिल्म में शहद की तरह और खुशबू की तरह घुल मिल रस बस गई. और दोनों का पेयर भी बहुत क्यूट सा था, दोनों की बातें भी बहुत अच्छी थी. लेकिन डेफिनेटली परिणीति के बारे में कहना चाहूँगा, इनके बहुत छोटा सा रोल रहा है लेकिन जितना भी रोल रहा है उतने बहखूबी से निभाया है उसने. और बहुत परिणीति चोपड़ा का वैसे तो रोल ज्यादा नहीं था, पर जितना भी था वो स्पेशल था तो अच्छा लगा, मतलब छोटा छोटा स्वीट प्रिंसेस थे उसके तो अच्छा लगा. अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, कितनी किस हद तक आपको इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लगी स्टोरी? इंसानियत का मैसेज दिया है सर ने उसने. अब उनके 10,000 थे वो एनिमीज, हम ओनली 21,600 थे. तो इस तरह से उन्होंने उनका उनको इंस्पायर किया, इस तरह से उनको मोटिवेट किया ताकि हम किसी से कम नहीं है और हम भी 10,000 से कम नहीं है, हम 21 है तो हम उनपे बार बार भारी पड़ सकते हैं. और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने जो फाइट जारी रखी और जो जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो डायलॉग्स थे और जो कुछ सीन्स थे, एक्चुअली वी गॉट क्राई, एक्चुअली वी वर वाचिंग मूवी. लास्ट सीन, लास्ट सीन, और लास्ट सीन क्या है उसमें से, एक्चुअली लास्ट सीन गॉट एक्सट्रीमली, क्या बोलूं मैं, सारागढ़ी मूवी रही, पैडमैन रही, हॉलीडे रही या स्पेशल सब्जी, जो भी मूवी अक्षय सर की आती वो उन्होंने मूवी सिलेक्ट करने के बाद हम उस पर जांच करते तब हमें पता चलता है. हमें डेफिनेटली वी डिड नो अबाउट द सारागढ़ी, बट एक्चुअली जब से ये फिल्म आई तो एक्चुअली मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली व्हाट इज द फिल्म, ये फिल्म किसके बारे में थी. और एक्चुअली जैसे लास्ट फिल्म की अगर बात करें तो पैडमैन, एक्चुअली जब से पैडमैन आई तब से मैं मेरे फैमिली में, मेरे बहन से, मेरे मदर से मैं खुल के बात करता हूँ चीज़ों पर, जो कि नेचुरल है, जो उनके वजह से इतने सारे अवेयरनेस आ गया है सोसाइटी में जो इससे पहले नहीं था.
एक्चुअली डेफिनेटली आउटवर्ड फील होता था कि मैं स्कूल हाइजीन के बारे में बात कर रहा हूँ ओपनली, ये टैबू माना जाता था ओपनली, वी वर नॉट यूज्ड टू टॉक अबाउट ओपनली. अब आप एक लेडीज आप समझ सकते हैं कि नेचुरल है, कोई बात नहीं है. अगर तो तब से एक्चुअली मैं मेरे बहन से मैं बात करता हूँ ओपनली कि कोई प्रॉब्लम है तो तब से इतना. और एक्चुअली मैं मेरे सारे फैमिली में बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई है तो मुझे बताओ कि जिससे अगर ज़रूरत है तो मैं बाहर जाऊँगा लेके आऊँगा आपके लिए. और एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के साथ भी बात करता हूँ मेरे ऑफिस में, और एक्चुअली उन्हें भी अच्छा लगता है कि एक लड़के हो किस तरह से बात कर रहे हैं वो भी विदाउट शैम्पू बोल लगते हैं. जो केसरी जो पिक्चर है ना पूरा देश के बारे में, सिख रेजिमेंट का जो है ना उसने थोड़ा शॉर्टकट में लव स्टोरी बताया, वो भी सिंपल में बताया कि वो परिणीति चोपड़ा का जो है ना उसको वाइफ के बारे में दिखाया, लेकिन शॉर्टकट में दिखाया, लेकिन पूरा पहले से लेके लास्ट तक पूरा देश के बारे में. और देश के बारे में इतना कह सकूंगा कि अभी तक अपने जो पुराने लोग है देश के लिए शहीद हो गए ले उनके लिए व्हाट्सअप है. इसके बारे में अक्षय कुमार ने सबको बताया कि पुराने पिक्चर कैसा निकलते, पुराने में इतना ही जींस पैंट नहीं है, जींस टी शर्ट नहीं है, इतना ही केमिस्ट्री नहीं है, सुपर हिट पिक्चर है. फिल्म में अगर डायरेक्शन की बात करें तो स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा बिखराव होता है, अगर उस बिखराव को अनुराग समेट पाते फिल्म और उम्दा बन जाती. तो केसरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऑडियंस को फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? बच्चों को और सभी को बोला ऑडियंस ने अपने बच्चों को सब देखनी चाहिए और बच्चों ने देखनी चाहिए फिल्म. बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा मैसेज है, हिस्टोरिक मैसेज है. गो एंड वॉच विद योर चिल्ड्रन एंड देयर इज नो एनीथिंग रॉन्ग विद दिस मूवी एंड बहुत बढ़िया. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ओके थैंक यू सो. आपके हाथ में ये केसरी रंग है ये किस लिए है, आप लोग बताना चाहेंगे? हमारे हमने आइडिया थी कि केसरी मूवी की केसरी के कुछ लोगों से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने आज केसरी मूवी के लिए स्पेशल एक ड्रेस कोड रखा था, इसलिए हम केसरी पब्लिक पहन के आए. अच्छा, अपने टी शर्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सब अक्षय को? बताना चाहता हूँ तो हर मूवी के लिए हमें अक्षय कुमार की तरफ से टी शर्ट आता है. पिछले 4-5 मूवी के लिए हमें टी शर्ट मिला है, इसलिए हमने सोचा इस बार हम सर के लिए टी शर्ट पहन के आएंगे. अच्छा, और एक बात, कल हमारा ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी ग्रुप ओपनिंग की, और कल है हमारे, कल है हमारे, हमें मैसेज आया था इधर से कि आपको यहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज दिया. सो जाते जाते ऑडियंस को और फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों फिल्म देखनी है? देश के लिए जरूरी है, अक्षय कुमार फैन के लिए जरूरी. मैडम एक क्या मालूम है आपको, खिलाड़ी ग्रुप सोलापुर है, ये 7-12 उत्तर है, बोले तो हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है सर. कार्यक्रम बनाते हैं हम मैडम, दिवाली जैसे मनाते हैं मैडम, लेट डोनेशन करते हैं, जो भी होते हैं हम दिवाली जैसे सेलिब्रेट करते हैं और रक्तदान शिविर करते हैं. इंडिया के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि दशहरा दिवाली इंडिया में कोई डरपोक पैदा नहीं होता, इंडिया में सब हीरो ही पैदा होते हैं. जो अक्षय कुमार ने इस फिल्म से जो संदेश दिया है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में सब शेर पैदा होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ शेर नहीं बब्बर शेर पैदा होते हैं. आज तक मुगलों को भी दिखाया और हमने पाकिस्तान को भी दिखाया, चीन को भी दिखाया और पूरे वर्ल्ड को भी दिखाया कि हिंदुस्तान में सिर्फ शेर ही नहीं तो भूपे शेर भी पाए होते. सो आउट ऑफ 5 ऑल इन ऑल कितने स्टार्स देना चाहिए? 5 स्टार. ओके, सो ऑल इन ऑल आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे आप? 4. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? 5 स्टार. ओके, 100 100 जितना भी होगा स्टार दे देंगे.